या दोस्तों आज हमारी भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच तीन मैच की टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला आज मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला गया, जहां आज कप्तान सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने अफगानिस्तानी गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर डाली और मोहाली के मैदान पर चौके और छक्के की बारिश करके शतक जड़ डाला और भारतीय टीम को बड़ी ही मुश्किल से अंतिम ओवर के खेल में जीत दिलाई है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान टीम के स्लिप गेंदबाजों ने भी भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी। तो दोस्तों बताएंगे आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए सांस रोक देने वाले पहले टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट वीडियो, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ईशान किशन और रिंकू सिंह में से कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट करके अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। जी दोस्तों, हमारी भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला आज मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला गया, जो बेहद ही शानदार और सांस रोक देने वाला मुकाबला खेला गया। दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के टॉस जीतने के साथ हुआ। तब दोस्तों कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर मोहाली की पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, ताकि अफगानिस्तान टीम को पहले कम स्कोर पर रोककर अफगानिस्तान द्वारा दिए गए लक्ष्य को बड़े ही आसानी से बनाया जा सके, जो कि दोस्तों अफगानिस्तान टीम के बल्लेबाजों ने सूर्यकुमार यादव के इस फैसले को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। जहां दोस्तों टॉस हार कर जब अफगानिस्तान की टीम हमारी भारतीय टीम के सामने जब एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने के इरादे से जब मैदान पर खेलने उतरी, तो हसमतुल्लाह शाहिदी के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज बल्लेबाजी करने आए। तो वही दोस्तों हमारी भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए, तब दोस्तों रहमतुल्लाह गुरबाज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों इसके बाद बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी करी और अपने ओवर में इसके बाद कोई भी रन नहीं दिया। तो वही दोस्तों जब दूसरा ओवर मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए, तब हसमतुल्लाह शाहिदी ने अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज के ओवर से एक चौका और एक छक्का जड़ दिया और दोस्तों दो ओवर के खेल में अफगानिस्तान टीम का स्कोर 14 रन बन गया था। तो वही दोस्तों इसके बाद जब तीसरा ओवर एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए, तो उनकी भी इस ओवर में जमकर पिटाई हुई और अपने इस ओवर से बुमराह ने 11 रन दे दिए, लेकिन दोस्तों जब चौथा ओवर फिर से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए, तो उन्होंने शानदार और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हसमतुल्लाह शाहिदी को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया और दोस्तों हमारी भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। तो भाई दोस्तों अफगानिस्तान टीम का पहला विकेट गिरने के बाद इब्राहिम जादरान बल्लेबाजी करने आए, तब दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने फिर भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। खासतौर पर रहमतुल्लाह गुरबाज ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक कूट दिया और भारतीय खेमे में तूफान ही मचा दिया। हालांकि दोस्तों बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए इसके बाद रहमतुल्लाह गुरबाज को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिलाई। दोस्तों इसके बाद तो अफगानिस्तान टीम के रन भी बनते रहे और विकेट भी गिरते रहे। जी दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से रियाज हसन ने जहां 80 रन कूट दिए, तो वहीं मोहम्मद नबी ने 37 रन और दोस्तों इसके अलावा राशिद खान ने तो विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 19 गेंदों में 41 रन ठोक डाले और दोस्तों आखिरकार अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर के खेल में 7 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम के सामने 215 रन का एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने एक शानदार लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि हमारी भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज को जहां 3 विकेट मिला, तो जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट और कुलदीप यादव को भी 2 विकेट मिला। अब दोस्तों अगर हमारी भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था तो दोस्तों 16 रन बनाना था। वही दोस्तों जब इस लक्ष्य का हमारी भारतीय टीम पीछा करने आई, तो खतरनाक बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने आए। तो वही दोस्तों अफगानिस्तान टीम की तरफ से पहला ओवर मुजीफ उर रहमान करने आए, तब दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल दूसरी गेंद को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए और दोस्तों हमारी भारतीय टीम को सिर्फ 4 रन के स्कोर पर पहला झटका लग गया। दोस्तों पहला विकेट गिरने के बाद दूसरा विकेट भी भारतीय टीम का अगले ही ओवर में फिर से गिर गया। जहां दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से दूसरा ओवर करने आए फजल हक फारूकी ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके मैदान पर तूफानी मचा दिया। आपको बता दें कि शुभमन गिल तो खाता भी नहीं खोल सके और दोस्तों हमारी भारतीय टीम ने सिर्फ 4 रन के ही स्कोर पर दोनों ओपनर बल्लेबाजों का विकेट गंवाकर अब हमारी भारतीय टीम मुश्किल में फंस गई थी। और दोस्तों भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाने और जीत दिलाने की सारी जिम्मेदारी कप्तान सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई थी। तब दोस्तों 2 विकेट गिरने के बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बेहद ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाजी करी। आप सूर्यकुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान के गेंदबाज मुजीफ उर रहमान के लगातार 3 गेंदों में सूर्यकुमार यादव ने 3 हैट्रिक छक्का जड़ दिया और उनकी गेंदबाजी की पूरी तरह से बैंड बजा कर रख दिया। और दोस्तों इसके बाद देखते ही देखते सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और मैदान पर अपने खतरनाक बल्लेबाजी का तूफान हिला दिया। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। अफगानिस्तान टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज राशिद खान ने श्रेयस अय्यर को LBW आउट कर दिया। तो वही दोस्तों लोकेश राहुल को भी सिर्फ 5 रन पर राशिद खान ने कैच आउट करवा कर भारतीय टीम को बेहद ही बड़ा झटका दिया। दोस्तों एक तरफ सूर्यकुमार यादव बेहद ही ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ भारतीय टीम के विकेट गिरते रहे थे। अब दोस्तों रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने आए थे, तब दोस्तों रिंकू सिंह ने भी
खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान की पांचवी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। अंतिम गेंद पर भी एक शानदार छक्का जड़कर राशिद खान की भी बैंड बजाकर रख दिया। अब दोस्तों दोनों तरफ से तूफानी बल्लेबाजी जारी थी। एक तरफ सूर्य कुमार यादव चौके और छक्के की बारिश कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी तूफान मचा रहे थे। और दोस्तों इसके बाद देखते ही देखते सूर्य कुमार यादव ने शानदार सिर्फ 55 गेंदों में शतक जड़ दिया और अफगानिस्तान टीम के धागे ही खोल कर रख दिए। तो वहीं दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह ने भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव शतक बनाने के बाद आउट हो गए। मोहम्मद नबी ने सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को बेहद ही बड़ा झटका दिया। लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह मैदान पर टिके रहे। दोस्तों यह मुकाबला तो उस समय रोमांचक बन गया था जब भारतीय टीम को अंतिम के ओवर में जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। तब दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर मुजीब उर रहमान करने आए थे। तब दोस्तों मुजीब उर रहमान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआत के 2 गेंदों में रिंकू सिंह को कोई भी रन नहीं दिया और दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए अंतिम 4 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। तब दोस्तों रिंकू सिंह ने भी हार नहीं माना और तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया जबकि चौथी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों भारतीय टीम को अंतिम के 2 गेंदों में जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। तब दोस्तों पांचवी गेंद पर रिंकू सिंह कोई भी रन नहीं बना पाए और अंतिम गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी। तब दोस्तों सभी की सांसें अटक गई थी कि क्या रिंकू सिंह अंतिम गेंद पर छक्का मार पाएंगे। लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर भारतीय टीम को इस हारे हुए मुकाबले में जीत दिला दिया जिसके लिए रिंकू सिंह की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने शानदार 91 रनों की पारी खेली। तो दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के शानदार जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद। वही दोस्तों आपको एक और खबर बता दें, आविश खान की जीवनी, उम्र, गर्लफ्रेंड, रिकॉर्ड, नेटवर्थ, फैमिली और कुछ रोचक तथ्य। जी दोस्तों आवेश खान एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। वह घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। आवेश अपनी गति के लिए जाने जाते हैं जो लगातार लगभग 145 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंदबाजी करने में सक्षम है। आवेश खान का जन्म 13 दिसंबर 1996 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। आवेश के पिता का नाम आशिक खान है जो एक पान की दुकान चलाया करते थे। बाद में वे एक निजी कंपनी में फाइनेंस मैनेजर बन गए। उनकी माँ सबीबा खान एक गृहिणी है। आवेश के भाई का नाम असद खान है जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। आवेश खान की एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। आवेश खान ने अपनी शुरुआती शिक्षा इंदौर से ही प्राप्त की है। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई एडवांस एकेडमी इंदौर से पूरी की। इसके बाद उन्होंने रेनेसा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इंदौर से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने इंदौर में ही प्रोफेशनल क्रिकेट सीखा। आवेश खान को बचपन से ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उनके भाई भी क्रिकेट के काफी शौकीन हुआ करते थे। आवेश ने बहुत कम उम्र में अपने पिता आशिफ खान के मार्गदर्शन में क्रिकेट खेलना शुरू किया जो स्थानीय स्तर पर क्रिकेट खेलते थे। लेकिन संघर्षों के बीच वह अपना करियर नहीं बना सके। आवेश के पिता सड़क के किनारे पान की दुकान चलाया करते थे और प्रतिदिन लगभग 500 रुपए कमाते थे जिससे उनका घर चलता था। आवेश ने 10 साल की उम्र में टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वह बहुत कम उम्र में अच्छी गति से गेंदबाजी कर सकते थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके चाचा ने लेदर बॉल से गेंदबाजी करने का सुझाव दिया जो एक पेशेवर क्रिकेटर बनने की दिशा में उनका पहला कदम था। फिर उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली और उनकी गति और गेंदबाजी कौशल को निखारा। आवेश खान ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत इंदौर के कोल्टिस क्रिकेट क्लब से शुरू की जहां उन्होंने अमरदीप पठानिया की कोचिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। क्लब क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद वह राज्य की टीम में अपनी जगह नहीं बना सके। हालांकि तब उन्हें मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा कराए गए ट्रायल के बारे में पता चला। आवेश ने 500 अन्य युवा उम्मीदवारों के साथ ट्रायल में भाग लिया जो चयनकर्ता अमय खुराशिया को प्रभावित करने के लिए तैयार थे जो मध्य प्रदेश के पूर्व और राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। आवेश खान ने उस ट्रायल में चयनकर्ता काफी अच्छा प्रदर्शन किया और वह चुन लिया गया। आवेश खान ने U16 मध्य प्रदेश टीम के लिए खेलते हुए एक तेज गेंदबाज के रूप में अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया। U16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि वह अपनी उम्र के दूसरे खिलाड़ियों से कई ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन इसी बीच उनके पिता की नौकरी चली गई। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के चलते उन्हें अपनी पान की दुकान खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके बाद परिवार की आर्थिक तंगी का बोझ आवेश खान पर आ गया जिसका उन्होंने डटकर सामना भी किया। आवेश कड़ी मेहनत करते गए और मैच से कमाए पैसों से घर का खर्च चलाया। 2014 में उन्हें अंडर 19 टीम में खेलने का मौका मिला लेकिन चोट के कारण वह अंडर 19 विश्व कप में खुद को साबित करने में असफल रहे। आवेश खान की लगातार मेहनत के बाद उन्हें जल्द ही मध्य प्रदेश की रणजी टीम में खेलने का मौका मिल गया। 7 दिसंबर 2014 को आवेश खान ने दिल्ली में रेलवे टीम के खिलाफ अपना पहला रणजी मैच खेला था जहां उन्होंने पहली पारी में 2 विकेट झटके। उन्होंने सिर्फ 5 मैचों में 15 विकेट अपने नाम किए। आवेश 2014 में UAE में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे। हालांकि उस टूर्नामेंट में वह कुछ ही मैच खेल सके और उन्हें 1 विकेट मिला। आवेश ने अगले अंडर 19 विश्व कप में जोरदार वापसी की और भारतीय तेज आक्रमक की अगुवाई की। 2016 अंडर 19 विश्व कप आवेश 15.08 की औसत से 12 विकेट लेकर भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने।
आवेश ने 5 फरवरी 2018 को 2017-18 विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के खिलाफ अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। उस मैच में वह 2 विकेट लेने में सफल रहे। इसके बाद वह घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करते गए। 2018-19 के रणजी सीजन में वह 7 मैचों में कुल 35 विकेट के साथ अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। अक्टूबर 2019 में उन्हें 2019-20 देवधर ट्रॉफी के लिए भारत सी टीम में नामित किया गया था। 2017 आईपीएल नीलामी में आवेश खान को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 10 लाख रुपए में साइन किया था। उन्होंने 14 मई 2017 को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया था। उस मैच में उन्होंने 1 विकेट हासिल की थी। हालांकि 2018 की आईपीएल नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 17 लाख रुपए में खरीदा और अगले 4 सीजन यानी आईपीएल 2021 के लिए फ्रेंचाइजी ने उन्हें बरकरार रखा। भाई दोस्तों, आपको एक और खबर बता दें, वॉशिंगटन सुंदर की जीवनी, उम्र, गर्लफ्रेंड, रिकॉर्ड, नेटवर्थ, फैमिली और कुछ रोचक तथ्य। जी हां दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु के लिए खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। वह टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं। वॉशिंगटन पहली बार 2016 में बांग्लादेश में अंडर 19 विश्व कप में अपने शानदार प्रदर्शन से सुर्खियों में आए थे। वह खेल के तीनों प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का जन्म 5 अक्टूबर 1999 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। सुंदर के पिता मणि सुंदर एक क्रिकेटर थे जो तमिलनाडु के लिए रणजी खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने अपने गॉडफादर पीडी वॉशिंगटन के सम्मान में अपने बेटा का नाम वॉशिंगटन रखा जो उनके लिए बल्ले खरीदते थे और उनकी स्कूल की फीस भरते थे। वह एक क्रिकेट क्लब भी चलाते हैं। उनकी बड़ी बहन शैलजा सुंदर भी एक पेशेवर क्रिकेटर है, यानी वॉशिंगटन सुंदर को क्रिकेट का हुनर विरासत में मिला है। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट बेडे के एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट को ही पूरा समय दिया और अपना करियर बनाया। वॉशिंगटन सुंदर के पिता ने बचपन से ही उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया और सपोर्ट किया। उन्होंने जब पहली बार क्रिकेट खेला था तब वह महज 4 साल के थे। तभी उन्हें एक बड़ी कमजोरी के बारे में पता चला। दरअसल वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ एक कान से सुन सकते हैं। परिवार को जब यह बात पता चली तो उनके पेरेंट्स इलाज के लिए कई अस्पतालों में घूमे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सुंदर की यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। यह एक लाइलाज बीमारी है। सुंदर को यह जानकर बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और उन्हें इसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और लगातार मेहनत करते रहे। अपने पिता के नेतृत्व में वॉशिंगटन सुंदर ने क्रिकेट की बारीकियां सीखी। शुरुआत में सुंदर को बल्लेबाजी करना बहुत पसंद था और वे एक विकेटकीपर बल्लेबाज बनना चाहते थे, लेकिन स्कूल के दिनों में उनकी जगह एक दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज को भी टीम में खिलाया गया। ऐसे में उन्होंने गेंदबाजी करने का भी फैसला लिया। आगे चलकर वे एक शानदार ऑलराउंडर बन गए। सुंदर की मेहनत तब रंग लाई जब उन्हें 2016 में रणजी ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु टीम में चुना गया। 2016-17 रणजी ट्रॉफी सीजन में वॉशिंगटन सुंदर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की। वॉशिंगटन सुंदर ने 6 अक्टूबर 2016 को तमिलनाडु के लिए अपना पहला प्रथम श्रेणी मैच खेला। 2016-17 रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने तमिलनाडु के लिए 12 मैच खेले और 31.29 की औसत से 532 रन बनाए और 26.93 की औसत से 300 विकेट भी लिए। इसके बाद अक्टूबर 2017 में उन्होंने 17-18 रणजी ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक बनाया। उन्हें 2016 में भारत U19 विश्व कप के लिए भी चुना गया था, जहां उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और सबको प्रभावित किया। 2017 की आईपीएल नीलामी में वॉशिंगटन सुंदर को रविचंद्रन अश्विन के रिप्लेसमेंट के तौर पर राइजिंग पुणे सुपर जेट्स ने खरीदा था। वॉशिंगटन ने 22 अप्रैल 2017 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आईपीएल में डेब्यू किया। उस मैच में वह कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट्स के बीच खेले गए आईपीएल 2017 क्वालिफायर 1 में उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था, जिसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे। फिर